पैसे 20,000 करोड़ की कंपनी बन गई। चर्चा ना होने से नाखुश कांग्रेस पार्टी विधायक दल, सदन की कार्रवाई जिस तरह से खत्म की गई है उसके विरोध में फ्लोर पर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं सीहोर जिले से विधायक शैलेंद्र पटेल अपनी बात रख रहे हैं, सबके विपक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम नेता। और बड़ी रोचक एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमूर्ति बताई गई है मेरे सहयोगी, थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे। देखिए आंखों पर पट्टी है, कान में हेडफोन लगा हुआ है, ऊपर टेप लगा हुआ है, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा। तो ये सांकेतिक विरोध है कांग्रेस का ये जताने के लिए कि किस तरह से उनकी आवाज को विधानसभा के अध्यक्ष ने दबाने की कोशिश की और उनको बोलने नहीं दिया, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं विधानसभा अध्यक्ष बन के अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, चाहे बात की टेंडर घोटाले की हो। अभी हमने जयवर्धन सिंह बैठे, इन्होंने थोड़ी देर पहले मुद्दा उठाया कि किस तरह से ये टेंडर घोटाला जो है ये कई सालों से चल रहा है और इसमें करीबी उद्योगपतियों को सरकार टेंपरिंग के जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कृष नायक जो बैठे हैं उन्होंने साफ तौर पर नाम लिया दिलीप बिल्डकॉन का, कैसे स्क्रैच से 20,000 करोड़ की कंपनी ये बन गई, इसका उन्होंने पता उठाया। और शैलेंद्र पटेल जो इस वक्त बोल रहे हैं वो सीहोर जिले में किसानों की बदहाली का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए उनके हिरे जिले में कोई भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो जिसके ऊपर कर्ज ना हो। आप देख सकते हैं हेमंत कटारी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, ये भी बैठे हुए हैं, जयवर्धन सिंह है, तमाम गोविंद सिंह बैठे हुए हैं, आप डग बैठे हुए हैं, तमाम कांग्रेस विधायक यहाँ पर है, रावत बैठे हुए हैं, वह तमाम कांग्रेस विधायक यहाँ बैठे हुए हैं और विरोध जाहिर कर रहे हैं जिस तरह से उनका अविश्वास प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा होने नहीं दी गई, जिसके बाद अब यहाँ पर अपनी बात रखी जा रही है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जवाब तलब किया जा रहा है और जनता की अदालत में तमाम मुद्दों को ले जाकर जो अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे थे उन तमाम मुद्दों को जनता की अदालत में ले जाकर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने बना ली है। कैमरा पर्सन शाकिर अहमद के साथ मध्य प्रदेश चैनल पर जयवर्धन सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने आज जो कांग्रेस की कार्रवाई हुई बाहर फ्लोर पर उन्होंने अपनी तरह से बात रखी। ई टेंडर घोटाले को लेकर आपने आरोप लगाए, जीरो से 20,000 करोड़ की कंपनी बन जाती, क्या कहते हैं जी? मूल बात ये है कि ई टेंडर घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। आज के समय हर विभाग में, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, एमपीआरडीसी हो, नगर प्रशासन हो, हर बड़े टेंडर के लिए ई टेंडर होता है और वही भाजपा के लोगों ने कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ करके इसमें बहुत बड़ा खेल खेला है, जिससे कुछ लोगों को फायदा हुआ है। हमारी मांग है कि जो प्रमुख सचिव जिनने इस पूरे भ्रष्टाचार को उजागर किया उनको लीव पे क्यों भेजा गया, उनको पुनः उस पद पे लाया जाए। साथ में जो पिछले 5-10 साल में ऐसे टेंडर थे इस पे रेड फ्लैग रेड क्रॉस आया, उसकी पूरी सूची पब्लिक की जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें निष्पक्षता से और पारदर्शिता से सरकार को पूरे सबूत प्रस्तुत करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इससे बहुत लाभ हुआ है और ये एक बहुत बड़ा आरोप सरकार के खिलाफ लगा हुआ है। कौन कौन से ऐसे उद्योगपति हैं, कुछ नाम आप खुलासा करना चाहेंगे? नाम विशेष मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं लोग, ठेकेदार हैं, भाजपा के खास लोग हैं जिनको इससे फायदा मिला है। और जिस तरह से ये पूरा आपने सत्र अलग से रखा है, 2 दिन पर चर्चा होगी और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है और आपने देखा कि एक तरह से प्रतिरूप भी बनाया था विधानसभा अध्यक्ष को, क्या कहेंगे? ये इसलिए स्थिति ये बनी है क्योंकि सत्ता पक्ष विधानसभा को चलने नहीं देता है। पहली बार ऐसा हुआ कल हमारे इतिहास में कि सत्ता पक्ष ही वहां चलाचोट कर रहा था, विधानसभा को चलने नहीं दे रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव हमारे नेता प्रति पर प्रस्तुत कर रहे थे उससे सत्ता पक्ष को भय था, डर था, विचलित थे। तो जयवर्धन सिंह सीधे तौर पर करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि ई टेंडरिंग जो हुई है और उसके ट्रैम्परिंग के जरिए बहुत करीबी उद्योगपतियों को सरकार ने लाभ पहुंचाया है और इस खुलासे को वो करते रहेंगे। तमाम मुद्दे यहाँ जो सदन चलेगी 2 दिन और फ्लोर के बाहर, उस पर तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन शाकिर अहमद मंडली चैनल भोपाल। इस वक्त हमारे साथ उपनेता विपक्ष बाला बच्चन जी मौजूद।
जो है बाला बच्चन जी, आपने आज सीढ़ियों पर बैठकर लोकतंत्र को बचाने की कवायद की, क्या कहें? नहीं देखिए, हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए चाहे तो हमको सीढ़ियों पर बैठ के या सड़क पे, रोड पे और कहीं अगर मैदान पे लड़ना हो तो हम बिल्कुल हम जनता की मैदान की लड़ाई हम लड़ेंगे। और ये भाजपा सरकार ने पिछले 3 चुनाव में मध्य प्रदेश में जो वादे किए थे 2003 के चुनाव में, 8 और 13 के चुनाव में, उस चुनाव का हम हिसाब ले रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे जनता के साथ में वो आपका छलावा साबित हो रहा है। और विधानसभा में हम लोग जो बोलने की अपने हम लोग बोलते हैं और उसके लिए समय मांगते हैं, तो अभी 5 दिन के लिए विधानसभा बुलाई थी, हमने कोशिश की थी ये 10 दिन हो, लेकिन 2 दिन में ही भाजपा भग गई और भाजपा खुद इस तरह से हाउस में वातावरण बनाती जिससे कि हाउस बाधित हो और हम लोग मध्य प्रदेश की जनता के किसानों की बातों को हम लोग रख नहीं पाए तो हाउस खुद बाधित करती और भगती है। साफ मनसा स्पष्ट ये है भाजपा की, वो डंडे ही करती है, उनको ये लगता है कि जितने दिन हाउस चलेगा हमारी बदनामी होगी। आपने कहा कि सरकार भाग गई फ्लोर से, तो भाग गई, अब उसको घेरेंगे कैसे, पकड़ेंगे कैसे? नहीं घेरेंगे हम लोग, देखिए जैसे जिस तरह से हम हमारी बात को मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीढ़ियों में बैठ के जो कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग हमारे कांग्रेस संगठन के माध्यम से, विधायक दल के माध्यम से, हम लोग इस बात को मध्य प्रदेश की सड़कों पे, चौराहों में और उसके बाद जो है मैदानी लड़ाई लड़कर हम जनता की बात रखेंगे।